जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की ये क्लास बीएससी सेकेंड ईयर मिलिट्री साइंस के लिए है और आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर बाय चैप्टर। आज से शुरुआत करते हैं सारे चैप्टर को कवर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे, वैसे तो सिलेबस में अपने प्राचीन काल से लेकर महाकाव्य या वैदिक काल से लेकर के 1947 से पूर्व तक का अध्ययन करना है बीएससी प्रीवियस में। तो जो प्रीवियस का सिलेबस है उसके यूनिट फर्स्ट में है प्राचीन भारत यानी कि वैदिक काल का जो है, तो फर्स्ट चैप्टर है अपना वैदिक कालीन या महाकाव्य कालीन सैन्य संगठन कैसा था, या प्राचीन काल में सेनाओं का संगठन देख रेख संचालन कैसे होता था, तो इस विषय में आज हम लोग अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पेपर का अपना ये कार्यक्रम कि जो अपना ये कौन सा पेपर है। पेपर फर्स्ट है फर्स्ट पेपर है यूनिट फर्स्ट है इसका, और यूनिट का नाम है प्राचीन भारत और चैप्टर का नाम है वैदिक कालीन या महाकाव्य कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। वैदिक कालीन जो भी वैदिक काल का शुभारंभ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल जो है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब वैदिक सभ्यता का अंत हो रहा था उस समय एक नई सभ्यता वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। तो वैदिक सभ्यता का उदय तो ऐसे जो आर्य लोग बाहर से आए उसको माना जाता है, तो आर्य लोगों को ही भारत का मूल निवासी भी माना जाता है, और इसको मध्य एशिया का जो आर्य लोग आए वो मध्य एशिया में आए, तो मध्य एशिया भारत को ही माना जाता है कि आर्य सबसे पहले कहाँ पे आए, भारत में आए। और जब भारत में आर्य आए तो क्या हुआ कि उन्होंने जो यहाँ की अन्य जातियाँ थीं उनसे परस्पर वैमनस्य या युद्ध की बात आए, तो उस समय तो कोई विशेष प्रकार के युद्ध थे नहीं, सभ्यता का नया विकास था, तो उस समय युद्ध होते थे खास तौर से खाद्यान्न को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर। तो उस समय जो युद्ध का मेन या मुख्य कारण था वो था जो भी जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि क्षेत्र थे उसके रख रखाव या उसके लिए छीना झपटी या जो भी खाद्यान्न था या खाने पीने की व्यवस्था थी, पशुपालन थी, खास तौर से कृषि और पशुपालन के लिए आपस में जो विवाद हुआ या जो झगड़ा या युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसी के फलस्वरूप इन आर्यों ने तीन तरह की जातियाँ बना दी, तीन तरह के कर्मकार बना दिए, तीन तरह के कार्य करने वाले व्यक्तियों को बनाए, जिससे उत्पन्न हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, यानी कि उस समय युद्ध के समय भी कोई कार्य ना रुक सके या कोई कार्य रुके ना, इसके लिए तीन तरह के जातियों का उदय हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का। तो इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य का उदय इसलिए हुआ कि जब जब भी युद्धकालीन कोई भी युद्ध हो रहा हो तो उस समय भी कोई कार्य हमारा ना रुके। अब आइए देखते हैं इसमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्य लोग जो थे एक राजा और सेनापति की नियुक्ति करते थे, तो राजा ही देखा जाए तो राजा ही सेनापति का कार्य करता था, और राजा का मुख्य कार्य जो होता था वो क्या करना होता था, किले की बाहरी राज्य की और किले की सुरक्षा करना। क्या कार्य होता था इसका, राजा का कार्य होता था किले की और बाह्य सुरक्षा, राज्य की बाह्य सुरक्षा का जो भार होता था और किसका होता था, ये दोनों ये होता था राजा का, राजा ही किले का और बाहरी आक्रमण से, यानी कि अपने राज्य के बाहर से कोई अगर व्यक्ति आ रहा है, कोई राजा आक्रमण करने के लिए आ रहा था, उसकी सुरक्षा का पूरा दारोमदार सारा उत्तरदायित्व होता था राजा पर। तो राजा ही जो है वो सेनापति का भी कार्य करता था, सेनापति का जो भी पद है जो भी पद ये राजा जो है स्वयं अपने हाथ में लेता था, और इसका कार्य होता था किले का भेदन करना, सुरक्षा तो हो गई, और दूसरे अगर राजा कहीं आक्रमण कर रहा है तो उसका किले का भेदन, राजा अगर आक्रमण कर रहा है तो किले का भेदन करना था, उस किले का उसको जीतना होता था। तो ये कार्य थे प्रशासनिक व्यवस्था में। उसके बाद के जो सैन्य संगठन बना,
सैन्य संगठन में सेना जो है वो 6 प्रकार की सेना का वर्णन मिलता है हमारे वैदिक काल में। कितने प्रकार की सेना का वर्णन मिलता है? 6 प्रकार की सेना का वर्णन मिलता है। आइए नोट करते हैं, सैन्य संगठन 6 प्रकार के। इसको अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो उसको आप देखो, 6 प्रकार के सैन्य संगठन हुआ करते थे। इसमें नंबर 1 मौली बल। मौल बल वो होता था जो पितामह तो समझते होंगे, पिता का पिता, पितामह के द्वारा जो सेना युद्ध में बुलाई जाती थी या युद्ध में जो भाग लेते थे उनको, वो पितामह की सेना जो होती थी उसको बोला जाता था मौल बल। क्या बोला जाता था? मौल बल। तो मौल बल में जो पितामह होते हैं या पितृ पक्ष से जो आए हुए सैनिक होते थे उसको क्या बोला जाता था? पितामह सैनिक या मौल बल। दूसरा दूसरा बल था जो वो था भृतक बल, तीसरा श्रेणी बल, चौथा मित्र बल और पांचवा अमित्र बल और छठा आठवीं बल। यानी कि 6 प्रकार के बल या 6 प्रकार के सैन्य संगठन प्राचीन या वैदिक काल में हुआ करते थे। तो इनका जो बारी बारी से अध्ययन है, तो मौल बल समझ गए होंगे कि जो पितृपक्ष से, पिता के पक्ष से या किसी पिता के पिता यानी कि पितामह के तरफ से जो भी सैन्य सुविधाएं या सैनिक भेजे जाते थे वो कौन से बल कहलाते थे? वो मौल बल कहलाते थे। उसके बाद भृतक बल की बात आती है, तो भृतक बल में वो बल या वो सैनिक आते थे जो वेतन ग्रहण करने के लिए या कुछ पाने की लालसा में आते थे। जैसे कुछ तो होते थे, कुछ सैनिक ऐसे होते थे जिनको जिनका कार्य होता था वो समय समय पर लड़ाई करा करते थे, युद्ध करा करते थे आपस में कबीले के तौर पे। और जब कभी कहीं किसी बाहरी आक्रमण का दौर आता था, बाहरी आक्रमण किसी राजा के ऊपर होता था, तो वो इस उद्देश्य से राजा के पास जाते थे कि उनको युद्ध में जीती गई जमीन या जो भी आभूषण हैं उनको उपहार स्वरूप दिया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेतन के तौर पर उनको वेतन ग्रहण करने की इच्छा होती थी। इसको वेतन ग्रहण करने की इच्छा का नाम भी दिया जा सकता है। उनको जागीर के तौर पे वो चीज़ें दे दी जाती थी। तो ये भृतक बल है, वेतन ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला, जो जो जिसको वेतन के तौर पे कुछ पाने की लालसा होती थी, कुछ या कुछ पाने की लालसा होती थी, इस तरह के जो सैनिक बल कार्य करते थे उनको बोला गया भृतक बल। श्रेणी बल का मतलब है जो व्यवसाय करने वाले, जैसे मान लिया उस समय तीर तलवार के तेज तलवार ढाल इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, तो कुछ ऐसे व्यवसायीकरण का दौर था। वो व्यवसाय करने वाले कुछ ऐसे बल थे जो सैनिक सेना में क्या होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी युद्ध में भाग लिया जाता है। तो जो परोक्ष रूप से थे यानी कि व्यवसाय करने वाले थे, भाई अच्छे बाड़ों की अच्छे बाड़ बनाना है, अच्छे तलवार बनाना, अच्छी धार देना है, इस तरह के जो व्यक्ति होते थे जो सैन्य प्रक्रिया में भाग लेते थे उनको बोला गया श्रेणी बल। मित्र बल वो बल होता था जिसमें जैसे कोई राजा है, उसका जो पड़ोसी राजा उसका मित्र राजा है, मान लिया एक राज्य चार सेना, मान लिया कोई राज्य है, इस राज्य के चारों तरफ से उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरह से मान लिया एक राज्य इधर से लगा हुआ है, दूसरा राज्य इधर से लगा हुआ है, तीसरा राज्य इधर से लगा हुआ है और चौथा राज्य इधर से लगा हुआ है। तो इससे अगर राज्य में 1 2 3 4 करके इस राज्य में अगर कोई राजा पांचवा ये है, इस पर अगर आक्रमण करने के लिए इस राजा ने सोचा, तो इसके 2 मित्र राजा 3 मित्र राजा और भी हैं। इसने सोचा कि इस दूसरे वाले राजा ने सोचा कि हमारा मित्र संकट में है, तो इसकी हमें मतलब है इसको हमें सहायता देनी चाहिए। तो इस राजा के द्वारा जो भेजी गई सेना होगी वो कौन सी सेना कहलाएगी? मित्र बल कहलाएगी। वो सेना
मित्र बल के नाम से जानी जाए जाएंगे। इस प्रकार का जो सेना होती थी वो होती थी मित्र बल। आमित्र बल में वो बल आता था तो शत्रु के सेना में सेंध लगा करके उनको साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से वो उन सैनिकों को में फूट डाली जाती थी और उनको चाहे उसी युद्ध में रहते हुए उसी युद्ध में शामिल रहते हुए अपनी ही सेना का संहार करवाया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया जाए। या कभी कभी ऐसा होता था कि एक राजा का दूसरे राजा से वैमनस्य होता था, शत्रुता होती थी, तो शत्रु अपना मित्र इस तरह से उसको समझा जाता था, तो उस राजा का जो शत्रु होता था उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया जाता था कि उस राजा का उससे कोई संबंध नहीं था जिसका जिससे युद्ध हो रहा था, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति उस राजा से जिसका कोई उससे मतलब नहीं था उससे बदला लेना चाहता था। मान लिया इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लिया तीन राजा हैं, फर्स्ट राजा का सेकेंड राजा के साथ में इसका आपस में युद्ध है। फर्स्ट एक का दूसरे के साथ युद्ध है, दूसरे का तीसरे के साथ में वैमनस्य है, इधर से इसकी इनसे नहीं बनती है, किंतु अब देखा इसने देखा कि इसकी मेरी शत्रुता है, अब इस शत्रुता को हमें क्या करना है, अकेला ये राजा सक्षम नहीं है कि इसको ये मार गिराए या इसके परास्त करे, पराजित करे, तो इसने देखा कि इस राजा से इसकी छिड़ी हुई है, दोनों युद्ध कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, इनसे तो इनकी बनती नहीं है, इनसे बनती है, इन्होंने क्या किया, ये आगे इनकी सेना में शामिल हो गए और इनके बदला इनसे लेना, इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनसे बदला लेने के लिए इनकी सेना में शामिल हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, अमित्र बल, यानी कि इनका इनसे पहले से कोई जुड़ाव नहीं था, किंतु जब लड़ाई देखी, जब यहाँ पर अवसर देखा, तो उन्होंने दूसरे तरफ से आकर के इस सेना में सम्मिलित हो गए, तो ये किस तरह के बल कहलाएंगे, अमित्र बल कहलाएंगे, जो शत्रु की सेना को वशीभूत हो गए या किसी भी वजह से वशीभूत हो चुके हैं। छठी चीज आती है आठवीं बल, जो वंचरों की सेना या जो निम्न जातियों की सेना होती थी, निम्न जाति के लोग होते थे, उनको अपने वो अपनी सेना में सहायता करें या वो जो है चाहे कि हम राजा की सेवा करें, राजा की सेना की तरफ से युद्ध करें, इस तरह का जो बल होता था वो आठवीं बल कहलाता था। तो इस प्रकार के प्राचीन काल के जो सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य संगठन था, उसमें ये छह प्रकार के बल का उल्लेख मिलता है, ये छह प्रकार के बल का उल्लेख मिलता है, मौल बल, भृतक बल, श्रेणी बल, अमित्र बल, मित्र बल और आठवीं बल। इस तरह से छह प्रकार के बल या सैन्य संगठन थे जिनका संचालन वैदिक काल में होता था। वैदिक काल के जो अस्त्र शस्त्र थे उसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग था धनुष, बाण, उसमें लिखा नहीं गया, धनुष है, बाण है, तलवार है, धनुष हो गया, बाण हो गया, तलवार, बर्छी, कृपाण, शूल, मूसल, तलवार, इस तरह के तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाए जाते थे। और इन अस्त्र शस्त्रों के अलावा इसमें जो सेना होती थी, रथी सेना जिनको जानते हैं, रथी सेना, क्या रथी सेना, इसमें रथ का प्रयोग किया जाता था, रथी सेना में रथ का प्रयोग किया जाता था और इसमें लगभग 30-30 हजार सैनिक, 30-30 हजार सैनिक से भी अधिक की मात्रा में सैनिक लोग युद्ध के लिए जाते थे। और प्राचीन काल में या वैदिक काल में ध्वज या पताका का बड़ा महत्व था, ध्वज को काट के गिरा देने का मतलब था कि उस राजा को परास्त मान लिया जाता था। और ये पताका जो थी विजय श्री का एक मुख्य द्योतक थी, मुख्य इसको कह सकते हैं हम कि विजय का पताका, अगर वो झंडा ऊंचा है, ये पताका ऊंचाई पर है और राजा वापस आ गया, तो इसका मतलब है कि उसने युद्ध में विजय श्री को हासिल कर लिया है। तो प्राचीन काल में ध्वज का भी बड़ा महत्व था, उस ध्वज इन सेना में या सैन्य व्यवस्था में ध्वज भी लगाया जाता था, ध्वज भी रहता था, इनका एक अपना चिन्ह अलग से होता था, वो बात अलग है। दुर्ग तथा आयुध या अगर प्राचीन काल की सैन्य व्यवस्था में, सैन्य संगठन में
इस प्रकार की किसी भी ऋग्वेद में या कहीं पर भी इस चीज का उल्लेख नहीं मिलता है कि आर्यों ने कहीं पर दुर्ग का निर्माण किया हो, या आयुधगार यानी जो अस्त्रागार होते हैं जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, इस तरह के किसी विशेष कोषागार टाइप में जो है आयुध शास्त्र आयुधागार जिसको बोलते हैं, जिसमें केवल सैनिकों से संबंधित हथियार और औजार ही रखे जाते हैं, इस तरह के किसी कमरे का या किसी जगह का उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं मिलता वैदिक काल का। सभी लोग जो भी राजा या सैनिक होते थे अपने अपने हथियार औजार अपने साथ रखते थे, कहीं पर शस्त्रागार की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं युद्ध की स्थिति की। युद्ध की स्थिति आप जानते हैं कि युद्ध की स्थिति के अंतर्गत हम युद्ध में जो स्थिति होती थी उसके बात करते हैं। तो जैसे कोई उबड़ खाबड़ जमीन है, कोई समतल जमीन है, कहाँ पर युद्ध करना है, इस चीज़ का एक पहले से ही निश्चित स्थान रखा जाता था। वो भूमि समतली है, पहाड़ी है, या कैसी भूमि है, उसका पहले से निर्धारण कर लिया जाता था कहाँ पर युद्ध को लड़ना है, कहाँ पर युद्ध को हमें देखना, उस जिस तरह की जगह जमीन होगी उसी के आधार पर राजा जो होता था, सेनापति जो होता था, वो युद्ध की रणनीति तैयार करता था कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से कहाँ से आक्रमण करना, कहाँ से बचाव करना है और किस तरह से हमें विजयश्री को प्राप्त करना है। तो ये हो गया युद्ध की स्थिति की बात। अब आइए देखते हैं कि वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्राचीन या महाभारत काल में या महाकाव्य काल में। महाकाव्य का मतलब है कि महाकाव्य हमारे दो ही हैं, एक रामायण दूसरा महाभारत। उस समय की सैन्य व्यवस्था में वाद्य यंत्रों का क्या महत्व था, आज के समय जैसा था नहीं, अनाउंसमेंट हो रहा है उस तरह के होता था वाद्य यंत्र, धुंधवी टाइप में धुंधवी होती थी उसको बजा कर, जैसे महाभारत काल में आप लोगों ने सीरियल वगैरह टी वी सीरियल देखा होगा, वहाँ पर शंख का वाद्य शंख वाद्य यंत्र को बजा कर ही, जिसमें श्री कृष्ण जी शंख बजाकर ही युद्ध का श्री गणेश करते हैं सुबह में, और शाम के समय जब युद्ध ढल मतलब दिन ढल जाता है तो युद्ध को बंद करने का ही इशारा कर दिया जाता है, संकेत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्राचीन काल में या वैदिक काल में किया जाता था। वाद्य यंत्र के द्वारा ही युद्ध का शुभारम्भ मतलब आरम्भ होता था, और युद्ध का जब युद्ध बंद करना होता था शाम को, तब भी उस यंत्र का वाद्य करना बजाना पड़ता था, बजा के ही दोनों सेनाएं जहां के तहां वहीं पर विराम कर देती थी, कोई सेना फिर बाद में उसके उसका उल्लंघन नहीं करेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा वैदिक कालीन महाकाव्य कालीन में सैन्य संगठन या कैसा था, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार के सैन्य व्यवस्थाओं के साथ हमारे प्राचीन आर्य लोग जो थे वो युद्ध को करते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ एक नए विषय के वस्तु के साथ सब फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।